ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर मुरली हैं। 14 जनवरी 2023। आज मकर संक्रांति की आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज की मुरली में बाबा ने विशेष हम बच्चों को ड्रामा का हूबहू पाठ पक्का कराते हुए कहा कि इस नाटक में जो जो मनुष्यों के चित्र अर्थात शरीर हैं, वह एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र चेहरे सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ देख सकते हैं। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएंगे। बाबा कहे वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। और कहा 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे, कर्म भी किसी के साथ मिल नहीं सकते। और कहा बाप यहाँ आकर सृष्टि को पलटाई काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। बस शरीर बदलते हैं परंतु खुशी से, जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। फिर कहा कि अभी बाप गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हो। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अभी बहुत अच्छा है। अब समझ गए हैं कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है, क्योंकि यह कल्प कल्प की बाजी है। जो जितना सर्विस करेगा उतना पाएगा। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है। बाप आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। आज मुरली से प्रश्न है, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? उत्तर में बाबा ने कहा, इस नाटक में जो भी एक्टर्स पार्टधारी हैं, उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते हैं, फिर वही चित्र 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे, कर्म भी किसी के साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किया वह फिर 5000 वर्ष के बाद वही कर्म करेंगे। बाबा कहते ना फीचर्स मिलेंगे, ना कर्म मिलेंगे, ना पार्ट मिलेगा, वह फिर 5000 वर्ष बाद वही कर्म करेंगे। यह बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, तुम यह राज सबको समझा सकते हो। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला नाथ सदैव शिव बाबा को कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता, वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। यह तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की और विनाश नर्क का करेंगे, तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को कहेंगे। अब तुम बच्चे तो अनुभवी हो, जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा और अब आए हैं जरूर, उनको आना जरूर है, क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है। बाबा कहते हैं कल्प में एक बार तो मुझे आना ही है, सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे, सूक्ष्म वतन की भाषा अलग, मूल वतन में तो भाषा है नहीं। यहाँ है टॉकी, शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबको सदगति देने वाला भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ भारत में है। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं, वह एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र अर्थात चेहरा सतयुग के सिवाय कभी भी कहाँ देख सकते हैं। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे गांधी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। बाबा आज हूबहू ड्रामा का पाठ पक्का करा रहे हैं कि जो भी ड्रामा में होता है नाम रूप कर्म,
वह सब हूबहू रिपीट होता है। अथा मनुष्य हैं, जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं, वह फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसी के साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है, हम समझते हैं। जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वह शिव बाबा आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, तब तुम समझते हो। अब फिर औरों का भी ऐसे ताला खोलना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे, जैसे तुम भी सब मेरे साथ परम धाम में रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। बाबा कहते मैं जब आता हूँ तो मनुष्य सृष्टि पहले से ही होती है। पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े। बाबा कहते मैं जब सृष्टि परिवर्तन के लिए धरती पर आता हूँ तो पहले सूक्ष्म वतन की रचना करना पड़े, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। उनकी रचना के बाद शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में साकार में प्रवेश करते हैं। फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं। उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था फिर वही रिपीट करूँगा। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। बाप खुद बैठ समझाते हैं कि पुरानी सृष्टि नई कैसे बनती है, अंत से फिर आदि कैसे होती है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा आया था, परंतु कब कैसे आया, आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला, यह नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं फिर सन्मुख आया हूँ सभी को सदगति देने। माया रावण ने सभी की किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला तो जरूर कोई चाहिए। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है। यहाँ आकर सृष्टि को पलटाई काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई है, इसको फिर ऐसा बनाते हैं जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। बाबा कहते अभी तुम्हारी आत्मा और काया को ऐसा बनाता हूँ जो आधा कल्प कोई दुख रोग तकलीफ आदि नहीं होंगी। भल शरीर बदलते हो परंतु खुशी से, जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। वहाँ सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, उसको मरना नहीं कहा जाता है। जैसे तुम्हारा यह जीते जी मरना है संगम पर, तो तुम मरे थोड़े ही हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न सिकी लधे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। वह निराकारी बाप, वह साकारी बाप। अभी तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो ना, हम भी वही हैं, जो फिर आकर मिले हैं। बाप कहते हैं मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ, राजाई तो जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। पीछे तो तुमको राजाई मिल जाएंगी, फिर इस ज्ञान की सतयुग में दरकार नहीं रहती। फिर यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिख जाते हैं, वह पीछे पढ़ते रहते हैं, अथा किताब है, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तो भाषा ही एक होगी। तो बाप कहते हैं अब मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने। पहले नई थी, अब पुरानी हो गई है। मेरे सब पुत्रों को बच्चों को, बाबा कहते मेरे सब पुत्रों को बच्चों को माया ने जलाई राख कर दिया है। वह दिखाते हैं सागर के बच्चे, ज्ञान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। भल बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ फिर से
तुम बच्चों को सुरजित करने, जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए हैं, उनको फिर से आकर पारस बुद्धि बनाता हूँ। तुम जानते हो, इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे, तब यह दुनिया भी पत्थरपुरी से बदल पारसपुरी बन जाएंगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा ना। जिसके तन में आते हैं, उन द्वारा मुख वंशावली बनाते हैं। तो यह हो गई माता, कितनी गुह्य बातें हैं। है तो यह भी मेल ब्रह्मा बाबा, इनमें शिव बाबा आते हैं। तो यह माता कैसे हुई, इसमें मुंजेंगे जरूर। तुम सिद्ध कर बताते हो कि यह मात पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उन्हों का गुरु चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं, राजाई के लिए योग लगाते हैं। बाप आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं, जो और कोई सिखा न सके। न कोई का राजयोग है, वह तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग तो अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई भी सिखा न सके। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया था। कहते हैं हमको कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है, प्रलय तो होती नहीं। अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम आवे किस में। बाबा कहते हैं सब कुछ खत्म हो तो नई दुनिया बनाने के लिए मैं किन में प्रवेश करूं, निराकार क्या आकर करेंगे। बाप समझाते हैं सृष्टि तो पहले से ही है, भक्ति भी है, भगवान को बुलाते भी हैं। इससे सिद्ध है कि भगत हैं। भगवान को आना ही तब है जब भगत बहुत दुखी हैं। कलयुग का अंत है, रावण राज्य खत्म होना है, तब ही मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सभी दुखी हैं, महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। यह पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ, और धर्म वृद्धि को पाए, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध आदि हुए। तुम जानते हो जो पास्ट हो गया वह फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज पूरा समझाते हैं। डिटेल में जाने की दरकार नहीं, जानते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते हैं। तो जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे। नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रखना है। बाबा कहते हैं यह सारी समझने की बातें बुद्धि में रखनी है कि आत्मा वही है, लेकिन नाम रूप बदलते रहते हैं, पार्ट बदलता रहता है। बाप कैसे आते हैं वह भी समझ लिया। मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता का ज्ञान है, आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। अभी बाप गुह्य बातें सुनाते हैं, जो सुनते सुनते सारे राज समझ गए हैं। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अभी बहुत अच्छा है, अब समझ गए हैं कि कैसे गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है। यह सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते हैं तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है, काया कल्प तरु होती नहीं, अर्थात निरोगी काया मिलती नहीं। तुम्हारी काया कल्प तरु होती है, तुम 21 जन्म मरते नहीं। जिसको बाबा कहते हैं अमर बन जाते हैं, अर्थात कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, कोई दुख रोग शोक नहीं होता। बाप कहते हैं यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी काम चिता पर बैठ सांवरे हो गए हैं। इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाया है। अभी तो सभी सांवरे हैं, काम चिता पर बैठने से सांवरे हो गए हैं। अब तुमको काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठना है। विष का हथियाला कैंसिल कर
ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है, समझाना ऐसे है जो वह कहे कि तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो। जब तक कुमार कुमारी हैं, तो उनको मुतपलीती नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं तुमको गंदा कभी नहीं बनना है, आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे यह बहुत अच्छा है। ज्ञान चिता पर बैठने से तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते हैं, राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते हैं, उन्हों को राजगुरु कहते हैं। आजकल सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं, अर्थात शादी आदि भी कराते हैं। तुम जब यह ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, जट राखी भी बंधवा लेते हैं, फिर घर में झगड़ा भी होता है, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, देवियों को बहुत हथियार दिखाते हैं। यह सब है ज्ञान की बातें, यहाँ है ही योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है, बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे शिव बाबा। लड़ाई की कोई बात नहीं, अर्थात जो विश्व का मालिक खुद शिव बाबा हैं, वह आकर जब राजाई देते हैं तो कोई लड़ाई आदि नहीं होती। बाप कहते हैं मैं कैसे लड़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ, फिर इनका नाम निशान भी नहीं रहता। तब तो परमात्मा को सब याद करते हैं, कहते हैं मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं हो तो और को पकड़ते रहते हैं, कहते हैं हमारे में भी ईश्वर हैं, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, गुरु करते हैं। बाबा कहते जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो, यहाँ तो बात ही न्यारी है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी मैं ऐसे ही आया था जैसे अब आया हूँ, अब तुम जानते हो फिर रचता बाप कैसे बैठ रचना करते हैं, यह भी ड्रामा है। जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। बाप कहते हैं यह कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से पार्ट बजाने आए हैं, तो तुमको सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। हम सब एक्टर्स तो जान गए कि यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, यह सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है, जो ब्राह्मण कुल के होंगे वह समझ जाएंगे, फिर भी यह प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा, अर्थात जब तक संगम है तब तक ब्राह्मण कुल की वृद्धि होती जाएंगी, बढ़ना तो है ही। कल्प पहले मुआफिक सब पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, हम साक्षी होकर देखते हैं, हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है, कहाँ तक हम लायक बने हैं सतयुग में राजधानी लेने के। यह कल्प कल्प की बाजी है, जो जितनी सर्विस करेंगे, तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर, तुम सुप्रीम रूह की मत पर चलते हो, ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। बाप आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं, वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिकिलधे नूरे रत्न हैं, हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, योग बल से विश्व की राजाई लेनी है, पवित्रता की राखी बांधनी है, सहन भी करना है, पतित कभी नहीं बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा, दुख के दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव।
सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितना भी दुख अशांति का प्रभाव हो, लेकिन आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर शिव बाबा के साथ हो, इसलिए सदा खुशी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख के सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए, सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते हो। आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।